हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृष लेगा कृष्ण अवतार। क्या कृष लेगा कृष्ण अवतार? कंस ने किसे बुलाया दूसरे यूनिवर्स में? क्यों जलाया गया भागवत गीता को? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कृष्णा और रोहित गूगल पर ऐसे कुछ पुराणों को देखते हैं जिनमें एलियंस जैसी उड़न तस्तरी जैसे विमानों का प्रयोग हो रहा है। एलियंस इसी सबूत के कारण इस धरती को अपना कह रहे हैं, इसीलिए वो अपनी मिट्टी को भी यहीं छोड़ जाते हैं। सब बातें होने के बाद कृष और रोहित अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कृष सोने वाला होता है तब उसे टेबल पर रखी भगवत गीता दिखाई देती है और उसे गोलू मोलू की दादी की बात याद आती है कि उसकी हर परेशानी का रास्ता भगवत गीता से मिल जाएगा। तब वो निश्चय करता है कि वो कल सुबह उठकर सबसे पहले गीता को पढ़ेगा ताकि जो भी परेशानी आई है उसका हल निकाल सके। ये सोचते सोचते वो सो जाता है। जब सुबह वो उठता है तो देखता है कि भगवत गीता अपनी जगह पर नहीं है, तो वो अपने पापा के कमरे में जाता है और कहता है कि पापा, वो दादी की किताब कहाँ गई? तब रोहित कहता है कि वो तो अभी कंस के पास थी। कंस के पास? कृष्णा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कंस को ढूंढने लगता है। जब वो अपने घर की खिड़की से देखता है कि कंस कहीं दूर जंगल में उसे जलाने की कोशिश कर रहा है, तभी कृष्णा कृष बनकर वहां जाता है और भगवत गीता कंस के हाथों से छीन लेता है और पूछता है, ये आप क्या कर रहे हो? तब कंस कहता है कि यही है सब मुसीबतों की जड़, जिससे लोग धर्म पर चल रहे हैं और बदले की भावना से दूर हो रहे हैं। अगर हम इस किताब को भूल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। तब कृष्ण कहता है कि ये कृष्णा की किताब है और इस किताब में लिखा एक एक शब्द सच्चा है। कृष्णा ने सही कहा था, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब कृष्णा का जन्म होगा। और कृष्ण इतना कहकर वहां से चला जाता है। घर आकर वो कंस को उसकी मुक्ति के लिए कहता है कि कर्म योग एक ऐसा रास्ता है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष चेतना की अंतिम अवस्था होती है। भगवद गीता में भी कर्म योग का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार वैराग्य भाव रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए। दिन भर दासों की तरह काम करने की एक ओर स्वार्थ का भाव पैदा होता है तो दूसरी ओर अपने दिमाग को नियंत्रित रखते हुए कर्म करने से अनाशक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह योग हमें सिखाता है हर कार्य को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। इसको करने वाले योगी कर्म को देवीय समझकर इसे प्राथमिकता देते हुए पूरे मन से करते हैं, साथ ही सभी तरह की इच्छाओं को त्यागते हैं। कृष कंस को कहता है कि तुम्हें ये विश्व को हासिल करने के मोह को त्यागना होगा। हमें मालूम है कि वो लाल मिट्टी तुमने वहां रखी है ताकि वो जिस जिसके पैर में पड़े वो तुम्हारे अधर्म के रास्ते पर चल पड़े, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अधर्म से कभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम इस दुनिया कभी उस दुनिया में भटकते रहोगे और अपनी दुनिया को मैं बचा ही लूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कृष्णा ही क्यों न बनना पड़े। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि कई उड़न तस्तरी जमीन पर आई हैं, लेकिन उनका रूप बिल्कुल युगों पहले वाली तस्तरी जैसा है। तब कृष का शक सही हो जाता है कि कंस यहाँ मुक्ति के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में अधर्म फैलाने के लिए अपनी सेना के साथ आया है, जिसका वध करने के लिए एक बार फिर कृष्णा को जन्म लेना होगा। देश और अलग अलग शहरों में कंस ने अपनी ब्रेसलेट को देना शुरू कर दिया है, जिससे लोग आलसी हो गए और भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग से भी दूर होते हैं। देश की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था खराब होने लगी। शहरों में लोग भूखे मरने लगे, किसान आत्महत्या करने लगे, जिसे देखकर कृष काफी परेशान है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इस अधर्म से ये अपनी दुनिया को कैसे बचाए। तब फिर उसे भगवत गीता की याद आई और उसने भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग को पढ़ना शुरू किया, जिसमें ये लिखा है कि इस योग का अभ्यास सही दृष्टिकोण रखने, धार्मिक होने, सही इरादे रखने और अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करके किया जा सकता है। कर्मयोग को करने से नए कौशल सीखने, व्यक्तित्व विकास, आत्मा की शुद्धि, मन को अधिक फ्लेक्सिबल और टॉलरेट बनाने में मदद करता है। कर्मयोग के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म, जब कोई भी व्यक्ति खुद के लाभ के लिए अपना काम करता है तो वो सकाम कार्य में आता है।
ये व्यक्ति को सामाजिक और व्यापारिक दोनों तरह के काम पर लागू होता है। इस तरह के कर्म में व्यक्ति के मन में स्वार्थ भाव रहता है जो उन्हें लोभी बनाता है। सकाम कार्य व्यक्ति के जन्म व मृत्यु चक्र में अहम भूमिका निभाता है। निष्काम कर्म, अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि निष्काम कर्म योग क्या है, तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वास्थ्यहीनता भाव से करता है तो उसे ही निष्काम कार्य कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी तरह की लालसा और अहंकार की भावना नहीं होती। इस कर्म को करने वाला व्यक्ति सभी को एक समान समझता है, साथ ही एकता और दूसरों की मदद करने में भरोसा रखता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति को असीम शांति देता है। ये पढ़ने के बाद कृष्ण समझ गया कि उसे क्या करना है। अगले दिन वो बाजार गया, जहां जगह जगह कुछ कुछ बाजार सजे हुए हैं, लेकिन कहीं एकदम ही उजाड़ पड़ा होता है। तब उसने किसी से पूछा कि ये बाजार इतने क्यों सजे हैं। तब दुकानदार ने कहा, अरे साहब, आज जन्माष्टमी है ना। तब कृष्ण को समझ आया कि उसे आज क्या करना है। कृष्ण कृष्णा अवतार में एक मुंबई की चौल में गया, जहां उसे कुछ तैयारी होती हुई दिखती है। तब वो चौल वाले लोगों से कहता है कि वो लोगों के साथ गीता के ज्ञान को साझा करना चाहता है। लोग भक्ति भाव से उसे कृष्णा के अवतार में आए हुए होने के कारण मान जाते हैं, जिसकी खबर आसपास के शहरों में फैल जाती है और दूर दूर से लोग भक्ति भाव होकर कृष्णा से मिलने आते हैं। तब कृष्णा अवतार में कृष्ण सबको कर्म करने के फायदे बताता है, जिसमें वो बोलता है कि कर्म योग करने के फायदे में सबसे पहला मन को शांत रखना है। दरअसल इस योग को जीवन में लागू करने वालों के मन में कभी भी दूसरों के प्रति बुरे ख्याल नहीं आते हैं और ना ही उनका मन अपने काम को लेकर विचलित होता है। इस योग से मन की शांति में सुधार हो सकता है, जिससे मानसिक समस्याओं को भी दूर रखने की मदद मिलती है। साथ ही कर्म योग व्यक्ति के धैर्य को बढ़ावा देता है। इस योग के दौरान व्यक्ति को कई ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए उन्हें ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। साथ ही इस योग के दौरान क्रोध और अहंकार को भी त्यागना होता है, जो व्यक्ति के धैर्य भाव को खुद ब खुद बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा कृष्णा बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना होता है। कर्मयोग यही सिखाता है कि अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए। किसी भी कार्य को सही से करने के लिए उस पर पूरी तरह ध्यान देना होता है। जब भी हम किसी कार्य पर सही से ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। कर्मयोग से पुरानी बातों को भूलने और आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की भी सीख मिलती है। कर्मयोग करने के फायदे में कार्य क्षमता में सुधार भी शामिल है। कर्मयोग करने वाले अपने और दूसरों के कार्य में मदद करने की भावना रखते हैं, जिससे कि वो न सिर्फ अपना काम सही तरीके से भी करते हैं बल्कि अपने साथी की भी मदद करते हैं। इससे व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही कर्मयोगी को अपने काम के प्रति सकारात्मक विचार रखना होता है, जो उसके मन में हर तरह की नकारात्मकता को दूर करता है। इससे व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्मयोगी अपनी विफलता को भी सकारात्मक तरीके से लेते हैं और उस काम के लिए दोगुनी मेहनत करते हैं। इस तरह कृष्णा रूपी कृष्ण कहता है कि अगर हम अपने काम को स्वयं और पूरी निष्ठा भाव से करेंगे तो देश में बढ़ रही गरीबी भुखमरी सब दूर हो जाएगी। इससे हम धर्म के मार्ग पर आगे चल पाएंगे और ये फैल रहे कंस रूपी शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन क्या ऐसे करने से धरती पर हुए एलियंस और कंस के हमलों को रोका जा सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।